जैसे हाँ ये जो था कि आईना अब्बास, सो वेयर इज हाँ अब्बास, तो हमने सो पास्ट, ही वेंट आउट, हमने पास्ट टेंस के अंदर उसको जवाब दिया, मगर अगर हमको कोई हाँ दूसरे टेंस में देना है तो वो टेंस का चैप्टर आगे हाँ है। टेंसेस का चैप्टर आगे देखना पड़ेगा, मतलब मुकम्मल नहीं, तौर पर आगे अगर है या नहीं है जी, टेंस का, क्योंकि ये अगर अभी मुझे ये जो है वो हाँ ही वेंट आउट बोले। आया, इसका जो 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 खर्च आया, तो ही वेंट आउट, अगर मुझे उसको बोलना है कि ही हैज गॉन आउट, उसका कुछ है ऐसे, आई इसके मीन लिए जो है वो अन्य अल्फाज सारे अलग अलग हैं, लेकिन अगर इनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये मतलब अफाल ओके कहते हैं ओके, वर्ब्स को या टेंस को, तो उस पर तो वो इंशाल्लाह अभी अगर नहीं है तफसीली ना बहस आगे इन्होंने सेट की होगी अपने प्रोग्राम में, जी। क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग वाली चीज है और अरबी में अफाल की बहस बहुत ज्यादा, यानी वर्ब्स और टेंसेस ओके की बहस नहीं, बहुत ठीक है ज्यादा ठीक है वसी है, तो हम सिर्फ उसी को कवर जी करने की कोशिश कर रहे जी हैं जो यहाँ पर ओके मौजूद है। शुक्रिया आपने देखा होगा वहां पर अंता लिखा था, तो मैंने अंते को भी जल्दी से उस पर डिस्कशन नहीं किया, जी क्योंकि एक जी पूरा ये जी सेट है, तो जिस एतबार से ये लोग ले चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को आगे तक जाना है और आगे जो बातें कम से कम इसमें लिखी हम लोग वो समझ लें। ओके, तो हम जी लोग का शुक्रिया मकसद ये है, शुक्रिया वो चीज भी शुक्रिया इंशाल्लाह अगर इस वाले कोर्स में नहीं होगी तो आगे भी आप लोग पढ़ सकते हैं उसको टेंसेस, मेरे ख्याल में होगा, यानी इंशाल्लाह फ्यूचर टेंस भी होगा या प्रेजेंट टेंस भी होगा इंशाल्लाह। जी, ठीक, शुक्रिया तो इंशाल्लाह ओके शुक्रिया हम लोग अभी फिलहाल उसको करते हैं इंशाल्लाह जो यहाँ पर है। अल मुदर्रिस अयना ज़हबा, मोहम्मद ने कहा था कि ही वेंट आउट, अब्बास के बारे में जब उसने टीचर ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो चला गया, तो अल मुदर्रिस फिर मुदर्रिस सवाल करा कि अयना ज़हबा, कहाँ गया, किस जगह चला गया, तो मोहम्मद जवाब दे रहा है कि ज़हबा इलल मुदीर, ही वेंट टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के पास चला गया। ठीक, मुदीर कहते हैं अरबी जबान में प्रिंसिपल को। अल मुदर्रिस टीचर, वा अयना ज़हबा अलीयुन, वाव आया, मैंने आपको वाव का मतलब बताया था, वाव का मतलब होता है एंड के, वा अयना ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ चला गया। ठीक, वा अयना ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया है, अली नहीं दिख रहा होगा तो कह रहे हैं अली कहाँ गया है, मोहम्मद, मोहम्मद जवाब दे रहा है ज़हबा इलल मिरहाज़े, अली अली टॉयलेट की तरफ गया है, यानी टॉयलेट गया है, मिरहाज़ का मतलब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि टॉयलेट से होते हैं। इतनी बातें थी, उसके बाद तमरीन है। अजीब अनिल असअलतिल आतिया, नीचे आने वालों सवाल आने वाले सवालों के जवाब दीजिए। मिन अयना अंता, मिन अयना अंता का मतलब है आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, मीन यानी फ्रॉम हम लोग ने पढ़ा है, अयना का मतलब हम लोग ने पढ़ा है कहाँ, अंता मतलब यू। ठीक, मिन अयना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, अब इसका जवाब दे सकते हैं हम लोग अना के जरिए से, अना का मतलब होता है मैं, अना मिनल हिंद, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, अना, ठीक, अना का लफ्ज इस्तेमाल हो। अलिफ जबर अ, नून अलिफ जबर ना, अना, अना का मतलब होता है मैं, अलिफ जबर अ, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा हो तो मैं उसको बयान कर देता हूँ, अलिफ जबर आ, नून अलिफ जबर ना, अना, अना का मतलब होता है मैं, मिन अइना अंता, वेर आर यू फ्रॉम, अना मिनल हिंद, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, अंता मिनल, अब देखिए आ के जरिए से सवाल हो रहा है, आ के जरिए से मतलब क्या, अंता मिनल फिलिपीन, क्या आप फिलीपींस से हैं, तो अगर आ के जरिए सवाल होगा तो दो तरीके से जवाब हो सकता है, या तो आप होंगे तो आप कहेंगे नाम अना मिनल फिलिपीन, और अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे ला अना मिनल हिंद मतलब, या अना मिनल पाकिस्तान, या मैं पाकिस्तान से हूँ, तो जो जवाब होगा वो नाम और ला दोनों के जरिए दिया जा सकता है। अंता का मतलब बचा चुका हूँ, अंता के माना होते हैं यू के। उसके बाद तीसरा सवाल, मन हम लोग ने पढ़ा था, मन, मन का मतलब होता है कौन, हु, मन मैंने सीन, चाइना से कौन है, सीन का मतलब चाइना, मन यानी कौन, मिन यानी से यानी फ्रॉम, असीन यानी चाइना, कौन है चाइना से, ठीक, चाइना से यहाँ कौन है, तो मिसाल के तौर पर आप कह सकती हैं खालिदुन मिन असीन, खालिद चाइना से, किसी का भी नाम ले सकती हैं, मोहम्मदुन मिन असीन, मोहम्मद चाइना से, सीन कहते हैं चाइना को उर्दू में, जिसे चीन कहते हैं। आगे, मिन अइना हामिद, मिन अइना आमिद, हामिद कहाँ से है, ठीक, हामिद के जवाब में आप कहेंगे मिन अइना हामिद, हामिद कहाँ से, मिसाल के तौर पर हामिदुन मिनल अफ्रीका, हामिद जो है वो अफ्रीका से है। ठीक, अइना ज़हबा अब्बास, अब्बास कहाँ गया, तो आप मिसाल के तौर पर कह सकती हैं ज़हबा इलल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास गया है, ज़हबा इलल मुदीर, इला का मतलब होता है टू,
रहबा यानी वो गया इल मुदीर मुदीर की तरफ यानी मुदीर के पास अज़हबा अलीयुन इल मुदीर अब यहाँ आ के जरिए से सवाल कर रहे हैं अज़हबा क्या गया है अलीयुन अली इल मुदीर यानी प्रिंसिपल के पास तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं नाम अगर गया होगा तो नाम हुआ ज़हबा यानी नाम ज़हबा अलीयुन इल मुदीर हाँ अली मुदीर के पास गया है और अगर नहीं गया होगा तब कहेंगे ला वो मुदीर के पास नहीं गया आप ला भी कह सकती हैं ला पर भी जवाब तमाम हो जाएगा लंबा थोड़ा जवाब देने की जरूरत नहीं है यहाँ तक हो गया बता देंगे लास्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन जी 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 अज़हबा ज़हबा का मतलब गया ठीक अज़हबा क्या गया है कौन अली यून अली क्या अली गया है इलल मुदीर मुदीर की तरफ या मुदीर के पास यानी प्रिंसिपल के पास क्या अली प्रिंसिपल के पास गया है तो अगर गया होगा तो नाम कह देंगे नहीं गया होगा तो ला कह देंगे खत्म हो गई बात जी जी शुक्रिया ठीक है ये करा वक्त अब मैं चूंकि वक्त इसमें ज्यादा ना जाए तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ इसमें आप लोग इंशाल्लाह करके आएंगे ये करा वक्त माज़क्ते वाकिल कलमात पढ़िए और लिखिए आखिरी कलमे को देखते हुए अल दाखिल है तो अल गुरफतो पढ़ेंगे आप तनवीन नहीं लाएंगी ओके अल गुरफतो मिन प्रीपोजिशन का वर्ड आया है मिन आया है तो मिनल गुरफते हो जाएगा ठीक मिनल हम्मामे अल मिरहाजो इलल मिरहाजे अल याबानो ठीक अल फिलिपीन मिनल हिंदे अब मिन आ गया तो हिंद लगाना जेर लगाना पड़ेगा मिनल हिंदे इल सीने ठीक इस तरीके से इकरा व उक्तुब पढ़ो और लिखो मिन अइना फातिमा फातिमा कहाँ से जो हम लोगों ने पैटर्न ऊपर पढ़ा है बिल्कुल उसी पर सवालात बने हुए हैं खरज अल मुदर्रिस मिनल फसल ये सुन लीजिए आप लोग शायद यहाँ पर आप लोग फंसे आकर के खरज अल मुदर्रिस मिनल फसल मुदर्रिस यानी टीचर खरजा यानी वो निकल गया ठीक खरजा खरज अल मुदर्रिस यानी मुदर्रिस चला गया कहाँ चला गया मिनल फसल फ्रॉम द क्लास क्लास से वज़हबा इल मुदीर कहाँ पहुंचा जा करके वज़हबा इल मुदीर और किसके पास चला गया प्रिंसिपल के पास चला गया ठीक क्लास से चला गया और वहां से कहाँ गया वहां से वो प्रिंसिपल के पास गया है ज़हबत ताजिर इल दुकान ताजिर यानी बिजनेसमैन हम लोगों ने पढ़ा था ज़हबत ताजिर यानी ताजिर गया इल दुकान शॉप की तरफ ठीक दुकान यानी शॉप दुकान हम लोग कहते हैं उमूमन वैसे भी तो उसी से दुकान है खरजा हामिदुन मिनल गुरफते वज़हबा इल हम्माम हम्माम खरजा हामिद हामिद निकल गया मिनल गुरफते कहाँ से कमरे से रूम से निकल गया वज़हबा इल हम्माम रूम से निकल के कहाँ गया ज़हबा इल हम्माम हम्माम की तरफ गया यानी बाथरूम की तरफ गया हम्माम यानी बाथरूम मन खरजा मन यहाँ पर देखिए मिन नहीं है ये मन है इसको सही से पढ़िएगा मन खरजा यानी कौन मन यानी हु के माना में जो था मन खरजा मिनल फसल क्लास से कौन निकला क्लास से कौन गया ठीक तो इसका सिर्फ ट्रांसलेशन भी करेंगे तो चलेगा मेरे ख्याल में जवाब देने के लिए तो नहीं कहा इकरा वक्त पढ़ने और लिखने के लिए कहा है इसको मन खरजा मिनल फसल क्लास से कौन निकला अगर आपको जवाब वैसे भी देना हो तो आप कहेंगी मिसाल के तौर पर हाँ मैदुन खरजा मिनल फसल हामिद क्लास से निकल गया खरज तालिब मिनल मदरसते व ज़हबा इलस सूक खरज तालिब यानी स्टूडेंट जो है वो निकल गया मिनल मदरसते मदरसे से व ज़हबा इलस सूक और कहाँ गया बाजार की तरफ गया सूक कहते हैं मार्केट को सूक यानी मार्केट खरज तालिब स्टूडेंट निकल गया मिनल मदरसते मदरसे से व ज़हबा और गया कहाँ गया इलस सूक मार्केट की तरफ खदीजतु मिनसीन व खालिद मिनल यावान खदीजा चाइना से है और खालिद जापान से है वाजे? अब यहाँ पर जो आप लोग करना है वो मैं नहीं बताऊंगा सिर्फ बता दूंगा करना क्या है मौलाना सीमा यली जी ये जो सेंटेंसेस है उसके ऊपर जबर जेर पेश नहीं है तो वो ऐसे लिखते हैं या ऐसे अपन को हाँ बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आप लोग इसीलिए अरबी पढ़ रहे हैं अरबी की जो किताबें होती हैं सिर्फ आप लोगों के फैंस के लिए कुरान ऐसी किताब बन गई है कि जिस पर इराब लगा दिया गया और आप लोग आराम से उसको पढ़ लेते हैं वरना अरबी की किताबों में जबर जेर पेश नहीं अच्छा जी थैंक यू वो आप सिर्फ एक ही कंडीशन पे वो किताबें पढ़ सकते हैं जब आपको अरबी ग्रामर कम्प्लीटली आती हो तब आप सही पढ़ सकते हैं और अगर आपने जबर जेर पेश सही नहीं पढ़ा तो उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ठीक है मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर एक कुरान की बहुत मशहूर आयत है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाओ ठीक है ये कुरान की बहुत मशहूर आयत है मिन इबादिहिल उलमाओ तो अगर आपने उलमाओ को उलमा कर दिया और स्टार्टिंग में जो अल्लाह था
यानी इन्नमा यक्षल्लाहा, उसको अल्लाह कर दिया तो माना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नॉर्मली माना यह है कि अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ उलमा यानी आलिम हजरात डरते हैं, ठीक। अल्लाह का खौफ सिर्फ उलमा के सीनों में होता है, उलमा के दिल में होता है, इसका मतलब ये है। और अगर आपने जो मैंने बताया अगर पलट दिया, जो अल्लाह था उसको अल्लाह कर दिया और जो उलमा ओ था उसको उलमा आ कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ नाउजुबिल्ला, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ उलमा से डरता है। कितना सही माना लग रहा है आपको? जी जी थैंक। हेलो, हाँ बात समझ आ रही है आपको? जी जी हाँ समझ गए ना, हाँ वेरी गुड। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था एक सेंटेंस जब लिखा था कि सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं उनके आखिरी का एराब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जबर जेर पेश, उसी से क्लियर होता है कि ये है क्या, और या फिर आप खुद समझ करके वो एराब लगाएं कि वो अगर ये सब्जेक्ट है तो उस पर पेश होगा। देखिए मैंने उलमाओं पर क्योंकि पेश लगा हुआ है, वो सब्जेक्ट है, यानी डरने वाला कौन है, उलमा डरने वाले, सब्जेक्ट पर पेश लगा हुआ है, और अल्लाह ऑब्जेक्ट है, किससे, अल्लाह से डर रहे हैं। और अगर आपने अल्लाह जो कि ऑब्जेक्ट था उस पर पेश लगा दिया, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब डरने वाला अल्लाह हो जाएगा, और उलमा जो कि उलमा ओ जो कि सब्जेक्ट था उस पर आपने जबर लगा दिया, उलमा आ हो गया, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो माना पूरा गलत हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अरबी अच्छी तरीके से जानते हो, अरबी पढ़ें, अरबी ग्रामर समझें, तो आप ये सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह मौलाली के फैज से हम लोगों को उस पर इराब मिल गया, वल्ला अरबी की सारी किताबें उसमें कहीं आपको इराब नहीं मिलेगा, यानी जबर जेर पेश नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाओ, क्योंकि आप अरबी सीख रहे हैं, लिहाजा आपको अभी से पढ़ना आना चाहिए कि बगैर जबर जेर पेश के कैसे पढ़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ज़ा फिल फराग फी मा यली हरफा जर्रिन मुनासिब, नीचे जो खाली जगह है वहां पर जो हरफ जर है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन के जो वर्ड्स होते हैं उनको अरबी में हरफ जर कहते हैं। हर्फ मीन्स लेटर, जर मीन्स जो जर का अमल करते हैं यानी जेर देते हैं, ठीक। तीन कंडीशंस होती हैं किसी भी वर्ड की, या तो वो रफा होगा यानी मरफू होगा, या वो मनसूब होगा, या वो मजरूर होगा। तो जर जो हरफ जर है वो आकर के आखिर वर्ड को मजरूर कर देते हैं। थोड़ा बहुत जब भी समझ में आ रहा है तो वो ठीक है, इंशाल्लाह आगे चल के और ज्यादा बातें समझ में आने लगेगी, लेकिन जो बात का लुब्बे लबाब है, जो एग्जैक्टली जो मफहूम है यानी मकसद जो है वो समझ में आना चाहिए। तो ये जो लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए मीन एला फी अला, ये वो वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के लिए आते हैं, इनको हरफ जर कहते हैं। तो ये जो सेंटेंसेज में बीच में खाली जगह बची हुई है, आपको ये सही वर्ड्स रखने हैं वहां पर। मिसाल के तौर पर अल किताब हो डैश 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 अल मकतब, तो आप यहाँ पर आपको क्या रखना है, कोई एक इन चारों में से कोई एक रखना है जो फिट हो और सही माना देता हो। कोई रख के बता सकता है? अला। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया, नाम आपका? साजिदा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अला अल किताब अलल अलल, पढ़ के बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। अल किताबुल मक्तब, आखिरी का इराब जाहिर कीजिए। प्रीपोजिशन आएगा, मैंने बताया था, तो आखिर में कसरा आ जाता है, जेर आ जाता है। अलल मक्तबे, मक्तबे, ओके, अलल मक्तबे, जी यही पूरी बहस चल रही है कि जितने भी प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं वो आएंगे जिस भी नाउन पर, उस नाउन के आखिर में आपको जेर नजर आएगा। जी ओके, शुक्रिया। ठीक है, ओके। तो एक तो आपको मुनासिब वर्ड भरना है यानी जगह में रखना है, और उसके बाद आपको जेर भी लगाना है, ये मत भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक, अत्तालिबो खाली जगह अल-फसल, क्या भरेंगे यहाँ पर? बस ये दूसरा वाला लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगले में जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग खुद करेंगे उसके आगे। अत्तालिबो खाली जगह अल-फसल, बताए कौन सा, कोई बता सकता है कौन सा मुनासिब हर्फ जर या प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा? अगस्त का मतलब, फसल का मतलब क्लासरूम, फसल होगा, सफ भी होता है, मैंने कल बताया था सफ और फसल इन दोनों का मतलब होता है क्लास, क्लासरूम। तालिबो मिनल फसल है जवाब। तालिबो मिनल फसल क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो बताइए पहले। टीचर्स इन द क्लासरूम, सो फी आएगा, फी आएगा उसके लिए। अत्तालिबो फिल फसले, फी का मतलब होता है इनके,
समझ में आई बात? इस जी, तरीके जी, से जी. आपको सही सही भरना है. मैं सब अभी नहीं कराऊंगा ताकि आप लोग खुद से थोड़ी मेहनत करके आए. मैंने दो इसीलिए एग्जांपल के तौर पर बता दिए. ठीक, उसके बाद अल कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज. ठीक, इसमें से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अल मदरसा, तो मदरसा, अल मतबख किचन, अल याबान जापान, अल मुदीर प्रिंसिपल, अल फसल क्लासरूम, अल गुरफा रूम, सीन चाइना, जहब यानी जहबा यानी ही वेंट, अल हमाम बाथरूम, अल जामिया यूनिवर्सिटी, अल हिंद इंडिया, खरजा ही वेंट आउट, अल मिरहाद टॉयलेट, अल सूक मार्केट, अल फिलिपीन यानी फिलीपींस, ये कंट्री का नाम है, आप लोग वाकिफ होंगे इससे. फी अला मिन एला, ये चार वर्ड हम लोगों ने पढ़े. ये चार वर्ड मिन हुल जर, ये किसमें से? ये हरूफ जर में से है यानी प्रिपोजिशन में से है. इनको क्या कहते हैं अरबी जबान में? इनको कहते हैं हरूफ जर यानी जर के लेटर. हरूफ हर्फ का प्लूरल है, हर्फ का मतलब होता है लेटर. ठीक, यानी जो जर का अमल करते हैं, आखिर में आकर के मजरूर कर देते हैं यानी कसरा देकर दे देते हैं. इसके मुतालिक अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कर सकता है. अब हम लोग ने पूरा दर्स कंप्लीट कर लिया, जो कल का बाकी रह गया था. कोई कुछ पूछना चाहता है? आपने टॉयलेट को क्या कहा? मिरहाब. मिरहाब, मिरहाब, हाद हाद ज़ाद से वो मिरहाब. थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप मिरहाज बोल लीजिए आराम से. यानी हाँ, जैसे उर्दू जानने वाले जैसे अरबी पढ़ते हैं ना, मिरहाज बोल लीजिए. ओके, ठीक है. क्यों? हाँ, पूरे लेसन में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो अभी पूछ सकता है. यानी हम लोगों ने जो प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है, सारी चीजें एक बार ज़हन में ले आइए. आप कहीं पर डाउट हो तो वो बताएं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे. अरे मिरहाज जो है वो न्यू वर्ड्स में फोर्थ वर्ड है. यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 मिरहाज यहाँ पे. जी आगा, गुरफत का मतलब? गुरफतुन यानी रूम. रूम जी. तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है पांचवें दर्स का, वो क्लियर कर लिया जाए बहुत, क्योंकि अब फिर वरना वक्त हम लोग के पास ज्यादा नहीं है. तो ज्यादा अहम बात है, इसी से रिलेटेड है, मजरूर ही है वो भी, तो उसको भी हम लोग अगर डिस्कस कर लें, अगर किसी को कोई सवाल ना हो तो, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाएगा तो कम से कम वो आधा कर सकते हैं हम लोग आज. तो अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं जल्दी से 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. हाँ पूछें. सॉरी आवाज नहीं कर रहे, ठीक है ना? सॉरी, किसी को आवाज सुनाई दे रही तो वो बताए. अल कमरो बईदुन, मून जो है वो दूर है, चांद जो है वो दूर है. अल्हम्दुलिल्लाह. और किसी का कोई सवाल?